शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दुर्गा के चरणों में ये जो समाधि है अंबा की है। अंबा अनंतपुर गांव की एक महान आत्मा थी जिसने इंसानियत, सच्चाई और न्याय की खातिर अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज के दिन अनंतपुर गांव के लोग, जिसका नाम अब अंबापुरी है, अंबा की समाधि पर अपनी श्रद्धा और प्यार के फूल चढ़ाने आते हैं। दुर्गा को प्रणाम कर। मुझे क्या था ना सवेरे सवेरे शराब पी गई। आखिर प्रसाद के बखत आ ही गया। आज बड़ा खुश है रे तू भीकू। अरे खुशी का बतिया है माँ, ये देखो इस साल खेत में टमाटर गदरा के हुए हैं। अरे गीता कच्चे कच्चे टमाटर बीन डाल। बापू हमका घर माँ बहुत काम पड़ा है, सब्जी भाजी काटनी है, चूल्हा चौका लीपना है, बर्तन भांडे मांजने हैं, तुम्हार काम तू खुद ही कर। देखा माँ तुम्हारे लाड प्यार ने इस छोकरे का दिमाग खराब कर दिया है, हमारी तो एको बतिया नहीं सुन। आ रही हूँ काली आ रही हूँ, तुझे भूली नहीं। बेसरम बेहया निर्लज, कैसे दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था चुड़ैल मुन्नी बाई को। हाँ अरे वो तो है ही देखने की चीज। देखने की चीज है, आवारा कलमुही एकदम बदमाश है तुझ जैसी। आज तक तूने मुझे एक भी दमड़ी नहीं दी और उसे क्या देख लिया, उस पे रुपए पे रुपए पे रुपए निछावर कर रहा था नास पीटे। अरे जलोकटी उसके एक इशारे पर तो मैं अपनी जान भी निछावर कर दूं। जान क्या, तो फिर जा मर, यहाँ क्यों बैठा है, जा ना तोरे उसकी गोद में। हाँ मैं भी आज ही अपने बापू से कह दूंगी कि जल्द से जल्द मेरी शादी राम मूर्ति पहलवान से कर दे। हाँ अरे वो तेरा ब्याह क्या कराएगा, तेरा बाप तो अपनी शादी नहीं कर सका था, वो तो मेरी माँ ने करवा दी थी तरस खाकर उस काट के उल्लू पर। देख मेरे बापू के बारे में कुछ ना बोल वरना अच्छा नहीं होगा। अरे क्यों ना बोलूं क्यों ना बोलूं, एक ही तो लंगूर है इस गांव में साला बूढ़ा घूसट। अरे अरे चाचा तू बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। लेकिन मुझे तेरी उम्र बड़ी छोटी लगे है सरकार के हुक्म से। लड्डू खाओ चाचा घर के हैं। पहले तो ये जूते खा, ये भी घर के हैं। घर के जूते भी मुझे खिला दोगे चाचा, तो खुद क्या खाओगे। हराम खोर, हजार बार तुझे कहा है कि मेरे घर की तरफ नजर मत करना। चाचा चाचा मेरे घर में चाचा मेरा ही माल खा रहा है और ऊपर से
मेरी मेरी लौंडिया में डोरे डाल रहा है। अरे डोरे तो तुम्हारी लौंडिया डाल रही है मुझ पर, ले संभाल चल। अरे रुक मत, चल चल। अरे रुक रुक जा तेरी तो। अरे रुक जा तू, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गांव के सांड। अरे रुक, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जमींदार के टट्टू। अच्छा अच्छा, अरे आज तो मैं तेरा इलाज करके रहूंगा गांव के। अरे पहले अपना बुखार तो उतार गांव के। मलेरिया कहा? अरे 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 छाता, अरे छाता, अरे छाता ले जा रहा है। क्या है रे सूरज? कुछ नहीं भैया, वो भैया मुझे कुछ। क्या कुछ? बाबा चाचा को कुछ पैसे चाहिए, दे दो ना। चाचा के वकील तेरा चाचा गूंगा है क्या? क्यों चाहिए पैसे? भैया मुझे मंडी से नई लाठियां खरीदनी है। चुप, कोई लाठी बाड़ी नहीं, किसी दिन अपना सर फुड़वाएगा किसी से। ऐसा भी क्या है जी, क्यों थोड़े से पैसों के लिए मेरे देवर जी का दिल दुखाते हो? ये लो। क्यों देवर जी का दिल? भाभी जिंदाबाद। तुमने इसे बिगाड़ रखा है प्रभा। और तुमने मुझे। सात पीढ़ियों से ये सर किसी के सामने नहीं झुका समधन, लेकिन आज आज मैं जसवीर सिंह अपनी पगड़ी, अपने पुरखों की इज्जत तुम्हारे पैरों में रखकर तुमसे अपनी बेटी के सुहाग की भीख मांगता हूं। गलती किससे नहीं होती समधन, हमने सारा इंतजाम कर लिया है, बस तुम्हारा बयान ही प्रभा के सुहाग को बचा सकता है। माँ जी आपने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया था सदा सुहागन रहो, मेरे सुहाग को बचा लो माँ जी, मेरे सुहाग को बचा लो, इसके सर पर बाप की छाया रहने दो माँ जी, नहीं तो ये मुरझा जाएगा। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ माँ जी, आपके पाँव पड़ती हूँ, बचा लो माँ जी, मेरे सुहाग को बचा लो। खुशी जा लाडो पी के नगरिया, कह भींगी अखिया हमार, भूली मत जइया तू बाबुल के सुधिया, फिनो लौटी आई द्वार। और रणवीर आओ, बहुत दिन लगा दिए शहर में, कुछ बात बनी? बात कैसे न बनती पिताजी, आप हुकुम करें और वो काम न हो। ऐसा चमत्कार हुआ है कि अब अंबा की सारी जमीनों की मालकिन मेरी बहन प्रभा होगी। लेकिन कैसे रणवीर, अंबा की जमीनें तो सांझी हैं, उन पर सबका बराबरी का हक बनता है। बनता था कहो प्रभा, ये कानूनी शतरंज का खेल है, शह तुम रहोगी, बात से अंबा को बचना होगा। बिलाशक अंबा के खेतों पर उनके कुंबे के हर आदमी का बराबर का हिस्सा है, लेकिन अंबा के पति भानु प्रताप सिंह मरने से पहले अपने खेतों को अपने बड़े बेटे राजेंद्र सिंह के नाम कर गए थे, और जीजाजी के मरने के बाद उन खेतों पर अब कानूनी तौर पर तुम्हारा हक है। पर रणवीर
जहां तक मुझे मालूम है अंबा के स्वर्गवासी पति ने तो ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी। उन्होंने नहीं की तो क्या हुआ, हमने करवा दी। ये रही स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह की वसीयत। अब अंबा और सूरज इस वसीयत को झूठा या जाली साबित करते फिरे। कचहरी का मामला है, 10-20 साल लगना तो मामूली बात है। कब तक अंबा बेचारी तो जिएगी नहीं, और सूरज बूढ़ा हो जाएगा अदालत का फैसला सुनते सुनते। शाबाश रणवीर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। पर ये तुमने किया कैसे? दिमाग से। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा चाय का पानी, थोड़े से हरे नोट, बस स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह की वसीयत है यार। अब सिवाय उस बंजर जमीन के टुकड़े के जो अंबा के नाम पर है, बाकी की जमीन और फसलों को अंबा और सूरज छू तक नहीं सकते। पिताजी भूखे मरेंगे, माँ बेटा दोनों। जीवन इस धरती पर सार्थक हुआ। आ, मुझ में समा जा।